हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के एजर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वेयर ए स्टैंड फॉर एजर्शन एंड आर स्टैंड फॉर रीजन। नेक्स्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड लास्ट इज बोथ ए एंड आर फॉल्स। ये डायरेक्शंस हैं, इस तरह से ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं। और इस तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं, और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहां से जाके आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। हमारा आज का पहला एजर्शन है, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन। रीजन प्रोवाइडेड इज द चार्टर ग्रांटेड द सोल राइट टू द कंपनी एंड नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर की परमिशन मिल गई थी, क्वीन एलिजाबेथ से। और वो जो परमिशन थी उससे क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट मिल गया था इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करने का, जिसकी वजह से इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी जो थी वो इंडिया के अंदर कम्पीट नहीं कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन इज थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। रीजन प्रोवाइडेड इज ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग सेम थिंग्स विच रिजल्टेड टफ कॉम्पिटिशन अमंग कंपनीज एंड पुश्ड अप द प्राइजेस ऑफ द गुड्स। एजर्शन कह रहा है कि 17th-18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो ट्रेड था वो आर्म्स के बेसिस पर होता था, मतलब लड़ाई झगड़े होते थे, और जो पोस्ट बनाए गए थे, ट्रेडिंग पोस्ट बनाए गए थे, उनको भी फोर्टिफाइड किया जाता था, प्रोटेक्ट किया जाता था। रीजन क्या कह रहा है कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जितने भी कंपनीज आए थे, चाहे फ्रेंच थे चाहे पुर्तगीज थे, सभी जो थे क्या चाहते थे, सेम थिंग्स चाहते थे, मींस के स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, यही चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इन सब चीज़ों की यूरोप में काफ़ी अच्छी डिमांड थी। तो लोग यहाँ इंडिया से उसको परचेज करते थे और यूरोप में जाके सेल कर देते थे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेते थे। तो सेम चीज़ों की डिमांड होने की वजह से क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, और उसकी वजह से जो गुड्स की रिक्वायरमेंट थी उनके प्राइसेस हाई हो गए, और इसी वजह से उन्हें ज़रूरत पड़ी लड़ाई झगड़ा करने की और अपने ट्रेडिंग पोस्ट को प्रोटेक्ट करने की। दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है यहाँ पर। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उस समय में ये कॉमन बात हो गई थी क्योंकि फ्रेंच, पुर्तगीज, ब्रिटिश सभी को एक ही चीज चाहिए थी, और सभी आपस में इसी वजह से लड़ते थे, एक दूसरे के जो शिप्स होते थे उनको डुबो देते थे, अटैक कर देते थे, जो उनके पोस्ट होते थे उन पर अटैक करते थे ताकि कंपटीशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन इज कार्नेटिक वार्स मेड द ब्रिटिश द डोमिनेंट फॉरेन पावर इन इंडिया एंड रीजन प्रोवाइडेड इज द ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच एट द बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश एंड एंडेड फ्रेंच एम्बिशन ऑफ बिल्डिंग एन इंडियन एम्पायर। कार्नेटिक वार्स हुई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, तीन कार्नेटिक वार्स हुई थी, और उसके बाद में लास्ट में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया वांडीवॉश में, और
जिसकी वजह से जो फ्रेंच था उसे एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, और उसके अंदर क्या था कि फ्रेंच इंडिया के अंदर ट्रेड तो कर सकते थे लेकिन वहां पर अपने जो पोस्ट थे उनको फोर्टिफाई नहीं कर सकते थे, फोर्ट्स नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही लग रही हैं। लेट्स सी द आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और जो रीजन प्रोवाइडेड है वो असम्पशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असम्पशन इज इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम वाज कॉल्ड एज द स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड रीजन प्रोवाइडेड इज इंडियंस वर नॉट अलाउड टू अपीयर फॉर आईसीएस एग्जाम। एजर्शन कहता है कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम जो था वो स्टील फ्रेम था ब्रिटिश रूल का इंडिया के अंदर, और रीजन प्रोवाइडेड जो है वो कहता है इंडियंस वर नॉट अलाउड टू अपीयर फॉर आईसीएस एग्जाम, कि स्टील फ्रेम इसलिए था क्योंकि इंडियंस को परमिशन ही नहीं थी इस एग्जाम को देने की। जो रीजन प्रोवाइडेड है यहाँ पे गलत लग रहा है हमें। लेट्स सी द आंसर, आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। रीजन जो है वो गलत है। अब रीजन जो है वो गलत है, क्यों है गलत? क्योंकि आईसीएस वॉज स्टार्टेड इन 1855 इन लंदन, लंदन में स्टार्ट किया गया था 1855 में, और इंडियंस डिड नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज ईदर दे डिड नॉट परचेस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और डिड नॉट हैव इनफ मींस टू ट्रेवल टू लंदन। अब या तो उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि उस समय में तो ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, इतने पॉपुलर नहीं थी एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन इतनी नहीं थी इंडिया के अंदर। ठीक है, और दूसरा भाई उनके पास मींस भी तो होने चाहिए लंदन तक जाने के लिए। उस समय में तो लोगों के अंदर सुपरस्टिशन था कि अगर वो सी क्रॉस करेंगे, ओशन क्रॉस करेंगे तो उनको कर्स लगेगा, तो इस तरह के सुपरस्टिशंस भी थे, तो लोग वैसे भी जाना नहीं पसंद करते थे, ओशन क्रॉस नहीं करना पसंद करते थे। तो बहुत सारी चीजें थी जिनकी वजह से जो इंडियंस थे उस एग्जाम में बैठ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे जो एजुकेशन डेवलप हुई तो धीरे धीरे कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट किया, लंदन गए और उन्होंने अटेंड भी किया। और सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, उन्होंने जो है इसको पास भी किया, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने आईसीएस पास किया था। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन जो है वो गलत है और एजर्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजर्शन इज विद द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 द ईईसी बिकेम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल। कहते हैं एजर्शन कहता है कि बैटल ऑफ बक्सर की जीत से, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ब्रिटिश के बीच में और मीर कासिम के बीच में, तो जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ उसकी उसमें मीर कासिम हार गया था, तो जो था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश कंपनी जो थी, उस वो रियल मास्टर बन गई थी बंगाल की। रीजन प्रोवाइडेड इज मीर जाफर बिकेम द पपेट नवाब ऑफ बंगाल, कि मीर जाफर पपेट नवाब बना था बंगाल का। मीर जाफर पपेट नवाब बना तो था बंगाल का, लेकिन कब बना था? जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी सिराजु दौला के साथ हुआ था, उसमें सिराजु दौला हार गया था क्योंकि मीर जाफर ने उसको बिट्रे किया था, उसने उसका साथ नहीं दिया था, तो मीर जाफर पपेट नवाब बन गया था। फिर मीर जाफर को हटाकर ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने मीर कासिम को रखा, मीर कासिम को पपेट नवाब बनाया, लेकिन फिर मीर कासिम भी उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाया तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ। और बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था उसमें जो जीत मिली उससे जो ब्रिटिश थे उनको एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड मिल गया था बंगाल के अंदर, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ और बैटल ऑफ बक्सर जीत गए ब्रिटिश जो थे, तो उसके बाद वो मास्टर बन गए क्योंकि उन्हें दीवानी मिल गई थी बंगाल की, पूरा रिवेन्यू कलेक्शन की परमिशन उनको मिल गई थी। नाउ लेट्स सी द आंसर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो आर है, जो रीजन प्रोवाइडेड है, वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मीर जाफर बिकेम पपेट नवाब आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड ईईसी गॉट दीवानी ऑफ बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। अभी आपको बताया, बैटल ऑफ बक्सर के बाद उन्हें दीवानी मिली थी, पूरा कंट्रोल उनको बैटल ऑफ बक्सर के बाद मिला था, जबकि मीर जाफर बैटल ऑफ प्लासी के बाद पपेट नवाब बना था। तो बंगाल के ऊपर उनको एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड मिला था बैटल ऑफ प्लासी के बाद, लेकिन पूरा कंट्रोल बैटल ऑफ बक्सर के बाद मिला था। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे, की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल की दीवानी मिलने के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट लॉज लेकर आए, सब्सिडियरी अलायंस लगाया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाए, और इस तरह से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज को एक्वायर किया, एनेक्स किया, और धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल बनाया। आई होप आपको ये की पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।